वालेकुम कैसे हैं वाले मैं बिल्कुल ठीक आप लोग कैसे हैं आपने अपना करियर कैसे स्टार्ट किया और आपको कैसे लगा कि आपको एक एक्टर ही होना चाहिए जिस वक्त मैंने स्टार्ट किया तब मुझे लगा कि मुझे एक्टर ही होना चाहिए था बिकॉज uh, स्टार्ट करने के बाद ये एनर्जी आई कि मुझे एक्टर होना चाहिए था आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया कि आपको एक्टिंग ही करनी चाहिए आई सी uh, मैं ये बात पहले बोल चुकी हूँ कि कभी भी आप जिस वक्त यू you नो know, हमारे घरों में ये नहीं होता कि आप एक्टर बनेंगे बड़े होके यूजली जो आम घर होते हैं तो आई लाइक यू नो डूइंग थिएटर प्लेज डिबेटिंग एंड बींग ऑन स्टेज आई हैव ऑलवेज बीन वेरी एक्टिव अबाउट इट बट आई नेवर न्यू कि अच्छा मैं इसको प्रोफेसनली एज अ प्रोफेशन इसको मैं टेक करूँगी बट यान आज आई स्टार्ट आई फेल लाइक कि आई ऑलवेज वॉटेड टू डू दिस आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा था मेरा पहला प्रोजेक्ट वाज तेरी मेरी जोड़ी विच वाज बाय ए एन बी जियो और ये तो वैसे एक कंबाइंड प्रोडक्शन थी विद जी इंडिया लेकिन वहाँ ऑन एयर नहीं हो सका बिकॉज ऑफ़ जो हमारे रिलेशन रहे इंडिया के साथ लेकिन एट द सेम टाइम बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था बहुत मज़ा आया मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी इंस्टीट्यूट में हूँ एक कॉलेज में हूँ चाहे वो हमारे डायरेक्टर हूँ चाहे वो हमारे डी ओ पी हूँ चाहे हमारी कास्ट हो चाहे हमारे सीनियर्स हो एवरी वन वो सपोर्टिव एंड सो एनर्जेटिक कि हम लोग एक एक सीन पता नहीं कितनी बार करते थे विद द सेम एनर्जी विद द सेम पोटेंशियल एंड आई बिलीव कि वो मुझे एक मेरे लिए एक थिएटर एक्टिविटी हो गई मेरे लिए एक बहुत और ज़्यादा एक एनर्जेटिक तरीके का एक एक्सपीरियंस हो गया जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा सो आई हैड अ लॉट ऑफ फन डूइंग दैट आपको अपना बेस्ट एक्टिंग प्रोजेक्ट कौन सा लगता है बेस्ट एक्टिंग प्रोजेक्ट अच्छा आई पर्सनली थिंक देर आर सीन्स कि मतलब मैं कहूँ कि ये जो सीन है मेरा ये मेरा बहुत अच्छा सीन है इस तरीके के मुझे लगता है कि बहुत सारे सीन्स हैं जो मुझे लगता है कि अच्छा ये एक ये बहुत एक लेवल का सीन है कि बहुत अच्छा सीन किया था मैंने बट ऐसे अगर मैं देखूँगी तो मुझे लगता है कि अभी रिसेंटली मेरी कोशिश वैसे यही होती है कि मैं हर प्ले के अंदर आगे से बेहतर बेहतर ही करूँ सो येस अब वो ऑडियंस डिसाइड कर सकती है कि सबसे अच्छी आर्टिंग किस में लगी उन्हें आपने जो इतनी करेक्टर प्ले किए हैं इसमें सबसे अच्छा करेक्टर कौन सा लगता है कैरेक्टर्स मुझे सब बहुत अच्छे लगे हैं अच्छा जब मुझे कैरेक्टर अच्छा लगता है तभी मैं उस स्क्रिप्ट को हाँ कहती हूँ ठीक है तो बट पर्सनली आई थिंक आई लव्ड भोली बानो दैट वज़ वेरी इनिशियल आई लव्ड भोली बानो दैन आई लव्ड दिलसिले का हेरा मेरे लिए वो बहुत डिफरेंट कैरेक्टर था वो बड़ा मज़ा आया मुझे उसकी जर्नी हेरा की जो जर्नी थी मुझे उसके अंदर बहुत मज़ा आया करने में दूसरा आपका अल्ला भला करे मुझे दीवानगी में भी बहुत बहुत अच्छा एक बड़ी डिफरेंट सी लड़की बड़ी फाइटर सी लड़की एंड द वन आई एम डूइंग राइट नाउ ये भी एक बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है सो आई आई एम लविंग दिस वन एज वेल लव ऑल कैरेक्टर्स अगर आप एक्टर ना होती तो क्या होती अगर एक्टर ना होती um, मे बी टीचर या आर्किटेक्ट आपकी डेस्टिनेशन क्या है वेर एवर यू टेक मी फॉर वेकेशन मैं वेकेशन पे जाने के लिए तैयार हूँ <laughs> कोई ऐसी जगह जो आपको बहुत पसंद हो स्पेसिफिकली वेर एवर मुझे वेकेशन मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए ये मैटर करता है कि वो कहाँ पे मैं जाना चाहूँगी इट कैन बी डिफरेंट डेस्टिनेशन आई नीट आई आई लव टू एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स कि चाहे वो माउंटेन्स हों चाहे वो बीचेस हों चाहे वो डेजर्ट हो चाहे वो कुछ भी हो आई जस्ट लव इट आपकी फेवरेट डिश कौन सी है खाना मुझे बहुत पसंद है मुझे खाना अलग अलग तरीके से पसंद है मुझे पाकिस्तानी खाना बहुत पसंद है मुझे रोटी बहुत पसंद है मुझे बिरयानी बहुत पसंद है मुझे देसी फूड बहुत पसंद है मुझे कॉन्टीनेंटल बहुत पसंद है मुझे चाइनीज़ बहुत पसंद है डिपेंड्स के मेरा क्या मूड है बट आई लव फूड अलहमदिल्ला आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट कौन से हैं अभी रिसेंटली आई एम वर्किंग ऑन दिस जो कि जियो का प्रोजेक्ट है सेवन स्काई का और uh, इसको हम बड़े ही uh, अच्छे तरीके से बना रहे हैं कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को पसंद आए मेरा कैरेक्टर बहुत डिफरेंट है जैसे कि अभी मैंने मेंशन किया मैं कोशिश कर रही हूँ कि ऑडियंस को अच्छा लगे थोड़ा सा ग्रे कैरेक्टर है लेकिन फिर भी मेरे लिए मतलब एज एन एक्टर एक चैलेंज था ये कैरेक्टर करना मुझे लगता है कि इनशाला मैं इसको प्रॉपरली पोर्ट्रे कर सकूं जो ये कैरेक्टर डिमांड करता है जैन बहुत अच्छी राइटर हैं हमारे डीओपी हमारे डायरेक्टर हमारे सब लोग बहुत अच्छे हैं सो एंड प्लस ऑल दी एक्टर्स आर सो गुड सो प्रोफेशनल तो मुझे लगता है कि ये भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा देखिएगा और अगर आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा आपको किस तरह का स्क्रिप्ट पसंद है स्क्रिप्ट या स्टोरी सी आई थिंक आप प्रिडिक्ट कर सकते कि ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि कभी आपको नहीं पता होता कि कोई अचानक से चीज़ आपके सामने आती है और वो फ़ॉरन क्लिक करती है इफ समथिंग समथिंग क्लिक्स मी देर आई डू इट आई डू इट ऑन दैट पॉइंट कि अच्छा हाँ मुझे ये चीज़ क्लिक कर रही है फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू जैसे अभी मैंने हेरा का कैरेक्टर मैंशन किया था तो वो एक ऐसे कैरेक्टर था जो कि मैंने आई आस्क फॉर इट मुझे कोई और कैरेक्टर ऑफर हुआ था बट आई चूज टू डू हेरा बिकॉज आई फेल्ट कि अच्छा ये वो कैरेक्टर है जिसके साथ मैं कनेक्ट कर रही हूँ नो मैटर कि इसके कितने सीन्स हैं किस तरीके से है लेकिन मैं यही करना चाहती हूँ बिकॉज आई फेल्ट कि मैं इसके साथ कनेक्ट कर रही हूँ और वो एक कैरेक्टर है जो कि मुझे कह रहा है कि हाँ ये प्ले करो मुझे सो so, अगर ऐसे कोई स्क्रिप्ट ऐसा कोई कैरेक्टर मेरे पास आता है जो मैं सोचती हूँ कि ये तो मैं मिस नहीं करना चाहती तो आई डो इट आप अपने फैंस को कोई मैसेज देना चाहेंगी बिल्कुल आई थिंक एक जो बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज मैं देना चाहती हूँ कि एक दूसरे को रास्ता देना सीखिए चाहे वो रोड पे हो चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो चाहे वो प्रोफेशनली हो चाहे वो कहीं भी हो एक दूसरे को धक्का देकर एक दूसरे को रोक कर आगे बढ़ने की कोशिश मत कीजिए रास्ता देना सीखिए और इन श्ला शाला अल्लाह ताला रास्ते खुद ही बना देंगे सो सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस पोस्ट थैंक यू